श्याम जी में रंग लगाया जाता है पूरा, मतलब श्याम जी का मतलब रंग चढ़ा हुआ है और श्याम जी का नशा चढ़ा हुआ है। आज ही हमारे माजो से हिंदी आती है। आज हमारे बीच में असम का मुख्यमंत्री सोनोवाल साहब जी आए और हमारे साथ होली खेले, हमें खोल के बहुत आनंद आया और हम कहते हैं बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। देखिए यहाँ होली होली का मौका है लेकिन चुनावी माहौल भी असम में, क्योंकि इस वक्त विधानसभा का चुनाव और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। और देखिए ये लोगों का कहना बीजेपी जीतेगी, यहाँ भी मतलब मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और बीजेपी के नारे लग रहे हैं। असम की चुनावी होली गुवाहाटी से इस वक्त मैं दिखा रही हूँ, इनके बीच में मेरी होली की तस्वीर आप देख रहे हैं। और असम में मोदी मोदी, असम में मोदी मोदी मोदी, असम में मोदी 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 की जो मोदी 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 के जो नारे हैं वो लग रहे हैं। और इस वक्त मैं चुनावी होली जो है ये गुवाहाटी से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ की होली कुछ इस तरीके से, हर तरफ जहाँ भी आपकी नजरें जाएंगी लोग रंगों में डूबे नजर आएंगे, क्योंकि आज रंगों का त्योहार है, आज रंगों का त्योहार है, आज रंगों का त्योहार है। और उसकी उसकी जो तस्वीर है इस वक्त मैं आपको गुवाहाटी से दिखा रही हूँ, गुवाहाटी से इस वक्त रंगों के त्योहार की जो तस्वीर है वो दिखा रही हूँ। और इन सब के बीच में देखिए यहाँ मोदी मोदी और बीजेपी जिंदाबाद के नारे जो है वो लग रहे हैं, क्योंकि आज होली का भी मौका है लेकिन माहौल चुनावी भी है। ये जो इस वक्त आप आवाज मेरे पीछे सुन पा रहे हैं होली की हुड़दंग है, ये गुवाहाटी की सड़कों पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और इस शहर की होली कैसी होती है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हर समाज का वो तबका सड़कों पर उतरता है और जम करके रंग गुलाल फिजाओं में यहाँ आज उड़ रही है। लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और होली के रंगों में असम की जो जनता है वो सराबोर नजर आ रही है। यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए हर कोई एक दूसरे के साथ यहाँ होली खेलता हुआ नजर आ रहा है। ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त गुवाहाटी की मैं आपको दिखा रही हूँ और होली की मस्ती यहाँ असम की सड़कों पे चल रही है। जी हिंदुस्तान के दर्शकों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये मस्ती का रंग और गहरा हो, खुशियां ढेर सारी आपके जीवन में आए। मेरी होली इन सभी के बीच इस वक्त कुछ ऐसे मन रही है और विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। ये देखिए कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना काल में किस तरह
तरीके से लोग इकट्ठा ना हो, बचते हुए परंपरा भी निभा दी जाए और कोरोना का भी ध्यान रखा जाए। ये देखिए इन कलर्स में आप भीग जाएंगे और कितनी बेहतरीन तरीके से ये तैयारी की गई है। यहाँ पर ये जो आप कागज के टुकड़े देख रहे हैं वो उड़ाए जा रहे हैं ताकि कलर्स आपको नजर आए, और किस तरीके से इंतजाम किया गया कि कलर्स आपको भिगो के रख देंगे। ये दमदम के तारा पार्क की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ 10 से 12 साल से होली वाले दिन ही परंपरा ये लोग निभाते हैं कि होली वाले दिन, क्योंकि रंगों का उत्सव है, इस दिन से ये शुरुआत कर्टेन रेजर के तौर पर मानते हैं दुर्गा पूजा की। और पूरा आपको तारा पार्क में वही नजर आएगा होली उत्सव का, लेकिन लोग यहाँ कोरोना के लिए ख्याल भी रख रहे हैं। महिलाएं सबको रंगों में सराबोर कर रही हैं, बालकनी में अपनी अपनी खड़ी हुई हैं। ये रंग है बंगाल का। आइए जरा बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार की होली कैसे खास होने वाली है। दादा जरा इधर आइए, इस बार की होली कैसे खास हो? ये खास देखिए, इस बार हमारी परिस्थिति जो है कोरोना के कारण बिल्कुल अलग है पिछले साल की तरह। तो पिछले साल भी होली हम लोगों ने मनाने की मौका मिली थी, क्योंकि कोरोना तब तक इस इतनी जोर से हमारे बीच में आया नहीं था। लेकिन इस बार कोरोना का पहला वेव गया, फिर दूसरा वेव भी आ गया और वो काफ़ी तरह बुरी तरह से बढ़ रहा है हमारे पूरी देश में। तो इसको दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने होली मना रहे हैं, इसी तरह से मना रहे हैं कि होली हो, रंग की त्यौहार मनाया जाए, लेकिन उसमें से किसी को भी, एक भी इंसान को भी, एक भी मानुष को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, बीमारी फैलने की कोई चांस ना रहे। सब लोग तो खेल रहे हैं थोड़ा बहुत, हाँ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं हम लोगों को, थोड़ा तो कर रहे हैं हम लोग। नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में तो चाहे होली हो, दशहरा हो, दीपावली हो, हम हर त्यौहार बढ़ चढ़ कर मनाते हैं, इसे कैसे देखेंगे? हाँ वही त्यौहार के हम लोग छोड़ पाएंगे क्या? कोई भी त्यौहार छोड़ नहीं पाएंगे, हम लोग का साल में एक बार ही आता है ना वही त्यौहार। इसीलिए ये अनोखे तरीके से, ये देखिए किस तरीके से रंग उड़ाए जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अगर हम लोग खेल पाते तो अच्छा लगता और भी ज्यादा। रंगों का त्यौहार इसीलिए बहुत कम है, हाँ इसलिए इस बार देख रहे बहुत ही संख्या कम है, अगर होता तो परमिशन देने से और भी अच्छी तरह खेल पाते हम लोग। लेकिन इतना जो आपकी सोसाइटी में किया गया है इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, अच्छा ही लग रहा है, जो भी हम लोग जितना हम लोग का मेंटेन कर पा कर कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। तो देखिए लोग कम हैं, संख्या बल कम है, ज्यादा इकट्ठा नहीं है, लेकिन फिर भी आप भी होली खेलने आए हैं दादू? नहीं गले में दर्द है, कुछ नहीं बात करेंगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक छोटे से बच्चे जो कैमरा देख के भाग रहे, बच्चे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। देखिए बच्चे भी घर में बंद रहते हैं और ऐसे में कोरोना काल, होली का उत्सव कैसे बचा जाए? आप तो बहुत सज धज के तैयार है। हाँ, नाचने के लिए क्या आज नृत्य करेंगी? वो तो रंगिए दिए जाओ দক্ষিণ দুয়ার বসন্ত উৎসবের জন্য নাচফাত সব ঠিক করেছি আমরা, অনেক দিন ধরে রিহার্সাল করেছি যাতে এই বছরও আগের মতো আমরা চেষ্টা করব, যাতে আমরা এই বছর আগের মতো করে বসন্ত উৎসবটাকে ঠিকঠাক করে করতে পারি। সবকো আপনি পরম্পরাও কো নহি ছোড়তে, হাম বীচ কা রাস্তা নিকাল হি লেতে হ্যায় কি হামে ও ত্যোহার, হামে ও উৎসব ইয়া হামে ও ঊর্জা কেসে মেইনটেইন করনি হ্যায়। ইয়ে খুবসুরত তাসভির পশ্চিম বঙ্গাল কে দমদম কে ताला पार्क से मैं आपको दिखा रही हूँ। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में इस वक्त होली का रंग चढ़ा हुआ है। कैमरा पर्सन दीपांकर के साथ मैं श्वेता भट्टाचार्य, जी हिंदुस्तान। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनावी रंग तो बिखरे ही पड़े हैं, लेकिन आज होली है जिसे ढोल उत्सव के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और मैं नंदीग्राम में हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसा बंगाल जो आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, ऐसा बंगाल जो सिर्फ मैंने देखा। और उसी बंगाल में चुनाव के बीच में मिल चुके हैं होली के रंग, और ये आप देख सकते हैं ये ढोल उत्सव है जिसमें पारंपरिक बंगाली वाद्य यंत्रों के साथ सारे गाँव के लोग पूरे गाँव की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये पुजारी जी, पुजारी जी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ढोल खेलने में जा रहा है। अच्छा, कहाँ पे खेलेंगे? यहाँ पर मंदिर पर, देवी के मंदिर पर। हाँ मंदिर में खेलेंगे। चलिए, ये ढोल खेलना इसे कहा जाता है। पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए ये लोग पहुंचेंगे सीधा मंदिर के पास जहाँ पर ढोल खेला इसे कहा जाता है। ये देख सकते हैं पारंपरिक वाद्य यंत्र भी यहाँ पर है जो कि सालों से परंपराएं चली आ रही हैं, और ये परंपराएं जिंदा रहें इसीलिए लोकतंत्र में चुनाव होता है और लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि उन्हें उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी दें, धर्म को मानने की आज़ादी दें,
और जो त्योहार सालों से मनाए आते रहे हैं उनमें किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो ये खूबसूरत नज़ारा इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे गांव के लोग जमा हैं और ये जा रहे हैं ढोल खेलने के लिए। और ये देख सकते हैं छोटे बच्चे, ये देखिए ये एक छोटा सा खूबसूरत बच्चा है जो कि होली खेल, क्या नाम है तुम्हारा? तो ये तस्वीरें इस वक्त जो कि बंगाल की आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो चुनावी रंग के साथ साथ आज होली का रंग भी यहाँ मिल चुका है। तो पश्चिम बंगाल से हर रंग, चाहे वो चुनावी हो या फिर संस्कृति का, आप तक पहुँचाते रहेंगे। प्रदीप के साथ रवन उंगाई, जी मीडिया, नंदीग्राम। मैं बंगाल में हूँ और इस बार होली मेरी बंगाल में मन रही है। आप सब अपने अपने तरीके से अपनी होली मना रहे हैं, अपनों के साथ मना रहे हैं, लेकिन इस बार हमारी होली बंगाल में मन रही है। हर साल मैं अपनी होली आगरा में अपने घर, अपने भाई, अपने परिवार के साथ मनाया करती थी, लेकिन इस बार मैं चुनाव कवर करने के लिए बंगाल में आई हूँ और इस बार की होली बंगाल की मना रही हूँ। बंगाल में होली कैसे मन रही है ये आप देखिए। और इन लोगों ने कहा इन्हीं के साथ हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। मेरी होली इन्हीं के साथ मन रही है, यही है इस बार की होली और ये है बंगाल की होली। क्या कहेंगे होली के मौके पर? बहुत वेरी नाइस होली। तो आज की होली ये है ढोल नगाड़े के साथ और देखिए रंगों के साथ यहाँ पर होली मनाई जा रही है। एक और यहाँ पर ढोल नगाड़े का संगीत आप सुन रहे हैं। उमा अग्रवाल जी मौजूद हैं, ये भी दिल्ली से हैं, इन्होंने भी होली नहीं मनाई है। सबसे पहले होली आपके साथ मना लेंगे, हैप्पी होली। और इस वक्त बंगाल में होली का खुमार छाया हुआ है और मेरे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान साधन पांडे, टीएमसी के सीनियर नेता और सीनियर मिनिस्टर साधन पांडे जी हमारे साथ हैं। साधन पांडे जी, ये देखिए होली का खुमार किस तरीके से छाया हुआ, चुनाव चल रहा है अलग बात है। दादा हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी। साहब एक बार क्या क्या कलर चल रहा है दादा इस बार? ए बार चुनाव में कौन सा कलर है, कौन कलर है, कौन सा कलर है चुनाव में इस बार? हम 9 बार के लिए चुनाव में खड़ा हुआ, 9 बार के लिए खड़ा हुआ है। इंडिया में रिकॉर्ड है, इंडिया में रिकॉर्ड है। इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में रिकॉर्ड। हाँ दादा, आपने सबसे बोला था अमिताभ का गाना लगा, अमिताभ का फैन है क्या दादा? अमिताभ जी हम लोग को होली में गाना दिया, एक गाना उसको बधाई है, जिसमें आदमी का आनंद मिलता है वो आनंद होने चाहिए। अच्छा। वो बंगाली हो, हिंदी हो, जो कुछ। हाँ। अच्छा दादा ये बताओ, ये तो नीला कलर है, बीजेपी बोल रहा है बार गेरुआ कलर हो जाएगा पूरा बंगाल में। ये तो ब्लू कलर है, बीजेपी बोल रहा है गेरुआ हो जाएगा पूरा, ऐसा क्या? गेरुआ हमारा धर्म है। हाँ। और बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा, बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। तो तृणमूल का कलर आएगा, तीन फूल आएगा कि पद्म फूल आएगा? 200 के ऊपर चलेगा, 200 के ऊपर चलेगा, तीन फूल तृणमूल। दादा ये बताओ आप कि 9 बार जीतने के बाद भी दादा मिनिस्टर बनेगा एकदम? हाँ? अभी दादा 9 बार साल मिनिस्टर, और बनेगा अभी, और 5 साल रहना आपको मिनिस्टर। हम मिनिस्टर के बाद नहीं सोचता है, नहीं सोचता काम के बारे में, काम के बारे में सोचता है। ये तो दिख रहा दादा आपका कितना प्यार। कितना करके काम देगा उतना आप भी हमको उतना प्यार देगा। ये कह रहे खेला होगा और बड़ा खेला होगा। फिलहाल बंगाल में होली का खुमार है और उसी को लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या आम जनता। कैमरा पर्सन रवि के साथ प्रत्युष खरे, कोलकाता, जी मीडिया। नमस्कार, मैं हूँ मलिका मल्होत्रा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। जी हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैंने होली ऐसे मनाई।
दिल्ली में मौजूद हूँ। यहाँ से टीएमसी की कैंडिडेट जो है शशि पांजा, वो श्याम पुकुर से टीएमसी की कैंडिडेट है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी की बेहद ही करीबी मानी जाती है। शशि जी खुद होली खेल रही हैं और क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी रंग जो है वो छाया हुआ है, लेकिन आज के दिन होली के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। दादा जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से टीएमसी की कैंडिडेट शशि जी और यहाँ पर होली मिलन समारोह में, देखिए ये तस्वीर बंगाल की, ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से चुनावी रंग के साथ साथ देखिए होली के रंग में भी पश्चिम बंगाल जो है वो रंग चुका है। शशि पांजा जी से बात करने की कोशिश करते हैं। शशि जी होली मुबारक हो। होली मुबारक आप सबको। आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती है इसीलिए मुझे तकलीफ नहीं होगी। कैसे मना रही है होली, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इलाके में? देखिए इस बार तो होली उत्सव भी और गणतंत्र की भी उत्सव है, निर्वाचन भी है, हंसी खुशी लोग अपने निर्वाचन में पार्टिसिपेट करें। और जैसे होली में हम लोग हमेशा हर साल की तरह एक संग मिलते हैं, बात करते हैं, होली खेलते हैं। इस साल कोविड के संयम है, मास्क है, ग्लव्स है, सब कुछ है, तो होली जो है थोड़ा दूरी बनाए रखते हुए पालन हो रही, अच्छा ही है। चुनावी रंग के साथ होली का रंग कैसे देखते हैं? जीवन में कितने रंग हैं, उसमें चुनाव का एक रंग। और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मेरी ओर से तो यही रहेगी कि ममता दीदी को अपने जीवन में इस रंग को हमेशा रखने के लिए, तो दीदी को लाना है, तीसरे बार लाना है देश को और पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाना है। इस तरीके के होली और भी हम लोग खेलेंगे। इस बार दीदी के रंग बहुत तीखे देखने को मिल रहे हैं, तीखे तीखे प्रहार कर रही हैं, प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। नहीं नहीं देखिए हम लोग को तकलीफ इस बात की भी है कि पश्चिम बंगाल के जो लीडरशिप है उन पे भी वो भरोसा नहीं है, तो हम लोग केंद्र मंत्री को देखते हैं, प्रधानमंत्री को देखते हैं, देश के कितने महत्वपूर्ण विषय है सबको छोड़ के आज निर्वाचन को सामने रख के हर दिन जो है उन लोगों की उपस्थिति हम लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि देश में और कुछ नहीं है, देश स्थगित है। देश का विकास भाड़ में जाए, देश आगे बढ़ेगा भाड़ में जाए, सिर्फ पश्चिम बंगाल के निर्वाचन को जीतना है, ये कोशिश जताने के लिए इतने बार आना जाना। इस बार क्या मैसेज देना चाहेंगे? होली के दिन और चुनाव भी है। नहीं बस इतना ही कि होली एक तरफ अलग, होली में कोई राजनीति की जगह नहीं होती है, होली हम लोग खेलते हैं प्यार मोहब्बत बढ़े और अपने बीच भाईचारे बढ़े, यही स्पिरिट है, यही संदेश है। और निर्वाचन तो खैर एक निर्वाचन लड़ाई, एक राजनीतिक लड़ाई है, खातिरदारी हो रही है और यही रंग है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बंगाल में हूँ और बंगाल की ये तस्वीर सीधे आप तक पहुँचा रही हूँ। बंगाल, पश्चिम बंगाल में चुनाव है लेकिन चुनाव के मौसम में होली का रंग कैसे देखिए चढ़ चुका है। और बंगाल की ये तस्वीर देखिए, खातिरदारी के लिए बंगालीज हमेशा जाने जाते हैं, तो जब से मैं यहाँ पहुँची हूँ कोलकाता के कुम्हार टोली, यहाँ पर होली सेलिब्रेशन के साथ किस तरीके से अपने गेस्ट का स्वागत किया जाता है, वो भी ठंडाई हाथ में दी गई है, मुझे टीका लगाया गया और देखिए हाथों में इस तरीके से खुद शशि पांजा जी हमारे लिए नाश्ता लेकर। मैम ये बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, होली की शुभकामनाएं। ये देखिए ये है बंगाल का रंग, जो रंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दादा को कहूंगी तस्वीरें ज़रा दिखाइए और लोगों से भी मैं बातचीत करूंगी। देखिए महिलाएं किस तरीके से यहाँ होली उत्सव मना रही हैं। कोलकाता के कुमार टोली पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और देखिए यहाँ पर टीएमसी की जो कैंडिडेट है शशि पांजा जी, जो कि ममता बनर्जी की बहुत करीबी भी है, वो इस वक्त स्कूटी जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार ये भी एंट्री कर चुकी है, जिस तरीके से दीदी का भांगा पैर और दीदी की व्हील चेयर ने एंट्री ली है उसी तरीके से स्कूटी ने भी एंट्री ली है। तो यहाँ से शशि जी स्कूटी के थ्रू कहाँ जा रही है? मैम हमारे और एक वार्ड में भी होली मिलन है, वहीं पर पहुँचने की कोशिश स्कूटर द्वारा आज के दिन। इस बार तो स्कूटी ने भी एंट्री ले ली है राजनीति में। इसको राजनीतिक विषय जो बनाने चाहते हैं उनके कुछ और विषय है नहीं, इस वजह से कौन किस में चढ़ रहा है, कौन कैसे जा रहा है, इन सबको लेके भी बहुत चर्चा होता है। दीदी का पैर को लेके कितना चर्चा, यहाँ के दिलीप घोष सभापति बोलते हैं अगर दीदी को पैर ही दिखाना है तो बर्मिडो पहन ले।
आप लेवल तो देखिए, व्हील चेयर से लेके स्कूटी तक की सियासत इस बार पश्चिम बंगाल ने देखी। जी नहीं, व्हील चेयर वाला किस्सा सचमुच में दीदी आहत हुई है। दीदी ऐसी हैं जो इन सालों में मत्था से लेके पैर तक उनको घायल बहुत बार किया गया है। वहाँ से दीदी उठ के आई है, जिंदा है, लोगों के लिए लड़ रही है। तो इस बार तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों हुआ, हो गया। जब ये तब तो दीदी तो व्हील चेयर पर बनी रही, लेकिन घूमेगी तो ज़रूर। प्रचार का इसको देखे ऑपोजिशन वाले तो और भी बौखला गए, सोचे कि दीदी दम जाएगी, कम जाएगी, लेकिन दीदी तो दीदी है। लेकिन एक बात बताइए, आप कार से भी जा सकती थी, स्कूटी क्यों नहीं? आज सबको छुट्टी दे दिया है, सबको अधिकार है, होली मिलन, होली पालन करेंगे, दोल पालन करेंगे, उसके लिए छुट्टी दे दी। और आज हमारे हमारे संगी हमारी साथी है उसके स्कूटर में। ये तो हम लोग के लिए कुछ नेचुरल ही ऐसा है, इसके लिए तैयारी लेने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको छुट्टी नहीं मिली? हम लोग के लिए सर हर दिन ही छुट्टी, हर दिन ही काम है, हम लोग हर टाइम है। दीदी के लिए है, दीदी के लिए है, दोनों दीदी के लिए है। और एक बात बोली, एक ही बात बोलेंगे, खेला होबे भीषण भावे खेला होबे और देखिए देवा होबे कि बांग्लार मेरा की और बांग्लार मेरा कौन लेवल है सतर्क को। ये जो खेला हो बे एक बार, सब मुझे लगता है एक बार तो सबको बोलना चाहिए। वो कहना ये चाह रही कि 2 मई को देख लीजिएगा, खेला हो बे तो खेला हो बे तो उन्नयन खेला हो बे विकास खेला हो बे दीदीर खेला हो बे भांगा पाई खेला हो बे खेला हो बे इसीलिए स्कूटी पे भी शशि जी सवार होके दूसरे वार्ड में जा रही है। ये देखिए खेला हो बे होली के रंग में भी खेला हो बे। चुनावी मौसम है और साथ ही साथ होली का खुमार भी है। और ये देखिए इस वक्त मैं राजाराट न्यू टाउन इलाके में हूँ और ये देखिए होली की टोली ये निकल चुकी है। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, ये बंगाल का अपना कल्चर, अपनी संस्कृति है। पीछे ये देखिए, पीछे गाना बजाना सब कुछ चल रहा है और वो बिल्कुल बंगाली अंदाज में। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं निकली हुई है। ये होली जो है इसी तरीके से टोली भी निकलती है। हिंदी बोलते बातचीत रखिए। हम लोग हर साल इस तरह होली का प्रभात फेरी मनाते हैं, ये हमारा कल्चर है ब्लॉक का। 5 साल तक हम लोग यही प्रोग्राम मनाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद कल्चरल इवेंट है हमारा सीसी ब्लॉक दुर्गा पूजा कमेटी का मठ में। उसके बाद खाना दाना होगा, ऐसे हम लोग हर साल आनंद करते हैं सारे ब्लॉक। इसी तरीके से आप लोग घूम घूम करके होली खेलते हैं? हाँ हाँ, प्रभात फेरी हम लोग बहुत मजा करते हैं। हम लोग सीसी ब्लॉक के रहने वाले हैं न्यू टाउन में। ये हम लोग सब डोमिसाइल हुआ है, बाहर से सब बहुत सारे जगह से हम लोग आया। सुबह का वक्त है, धीरे धीरे मुझे लग रहा है टोली में संख्या और बढ़ेगी। हमारा यंग ओल्ड बच्चे बूढ़े औरत सब लोग हमारा साथ रहते हैं। एक नासन दादा। हर साल सेलिब्रेट करते हैं हम लोग ये, बस पिछले साल कोरोना के लिए नहीं हुआ था। मतलब ये सिर्फ सूखे रंग से आप लोग खेलते हैं? हर्बल ताकि किसी का स्किन डिजीज ना हो। फिर बहुत सारे होता है कि स्किन डिजीज होता है, एलर्जी होता है, इसलिए हर्बल अवीर लेके हम लोग सूखे रंग से। कलर नहीं है, सिर्फ गुलाल हर्बल सिर्फ गुलाल। एक बात हम बताने चाहते हैं कि भोर जैसे चलता है, लेकिन सब जितना आदमी है सब मिल मिश के वोट होता होने दीजिए, लेकिन हम लोग सब एक साथ में आनंद से फूर्ती से रहेंगे। होली के खुमार और साथ साथ चुनावी मौसम, एकदम पूरा खुशी का माहौल है बंगाल। तो मतलब कोलकाता इज द सिटी ऑफ जॉय, एवरीबॉडी नोज दैट। सो न्यू टाउन इज एन एक्सटेंशन ऑफ कोलकाता। इसी हिंदुस्तान हमारा चैनल है, इसके जरिए आप लोग कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को होली के लिए? चल अच्छे से बोली, हैप्पी होली टू ऑल इंडियन। बहुत अच्छा लगता है आप लोग यहाँ आए, आप लोग दिखाइए, हम लोग मजा करते हैं, आनंद करते हैं। होली ही है एक आनंद का उत्सव है। अच्छा ये हम बोल रहे हैं, अच्छा ये कुछ आपने गाना लिखा हुआ है क्या? कैमोन होच्छे गाना, वाले होली का गान गाना है ना हम लोग? का गान है होली का, होली का उत्सव है ना आज। फागुन भावाई हवर का गान, रविंद्रनाथ टैगोर का गान है। ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो गाने हैं वो ये गाते हुए यहाँ से ये बढ़ती जा रही। इसी तरीके से पूरे इलाके में ये टोली घूमेगी और घूम घूम कर होली खेलेगी। तो चुनावी मौसम में ये है कोलकाता से होली के रंग। कैमरा पर्सन रवि के साथ प्रत्युष खरे, कोलकाता जी मीडिया।